तो आज हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट नीट या मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में कौन सी है। बेस्ट कोचिंग फॉर नीट कौन सी होती है, उसके लिए आपको पहले कुछ पैरामीटर्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। एक इंस्टीट्यूट के पास बहुत अच्छे फैकल्टी होने चाहिए, वो जो इंस्टीट्यूट कंटेंट प्रोवाइड करती है, सिलेबस जिस तरीके से कंप्लीट करती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस कोचिंग संस्थान में आप एज अ स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ। ऐसा ना हो कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैच साइज इतना ज़्यादा हो कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब भी आप अच्छी नीट कोचिंग सेलेक्ट करें, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोर्स टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज अच्छे होने चाहिए, और साथ ही साथ बोर्ड और अदर एग्जाम को भी वो संस्थान सपोर्ट करती हो। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने भारत में 5 बेस्ट नीट मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट की रैंकिंग करी है। सबसे पहले नंबर पर आती है toppersacademy.app। आप अपने स्क्रीन पर इसका लोगो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये है toppersacademy.app। बहुत सारी टॉपर्स एकेडमी है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि toppersacademy.app है, और इसका लोगो भी यही है सामने आपके। कॉन्टैक्ट नंबर है 07827048964। ये अभी रैंक 1 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में नीट की तैयारी के लिए। ये ना ही सिर्फ क्लासरूम कोचिंग ऑफर करती है, ये ऑनलाइन क्लासेस और हाइब्रिड क्लासेस भी ऑफर करती है, और स्कूल वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। मींस बोर्ड एग्जाम्स को भी ये टारगेट करती है, स्पेशलाइज बैच चलते हैं इनके। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है इंडिविजुअल अटेंशन, मतलब यहाँ के फैकल्टी जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। आप एक चीज़ समझें, आप कोचिंग इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोचिंग इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको फैकल्टी से बात करनी है, आपको अपने डाउट सेशंस, अपने डाउट जो है वो स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट फैकल्टी से पूछने होते हैं। अगर कोई एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आप अपने फैकल्टी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए, फिर आप कोचिंग संस्थान को पैसे ही क्यों देंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ऐसी कोचिंग संस्था ज्वाइन करना जहाँ पर फैकल्टी और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से सही से इंटरेक्ट कर पाए। वो तभी पॉसिबल होता है जब बैच साइज स्मॉल हो। टॉपर्स एकेडमी का बैच साइज बहुत स्मॉल होता है, मुश्किल से 25-30 स्टूडेंट एक बैच में होते हैं। तो रैंक 1 इंस्टीट्यूट है toppersacademy.app। पढ़ते हैं नेक्स्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट जो कि नीट की क्लासेस ऑफर करती है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट रैंक है, वो है gyanach.com। अब gyanach.com क्यों फेमस हुई, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसका लोगो और कॉन्टैक्ट नंबर भी। gyanach.com एक तो इसलिए फेमस हुई क्योंकि इनका स्कूल बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनका इंट्रैक्शन, फैकल्टी का इंट्रैक्शन बहुत अच्छा, और स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हैं इनकी फैकल्टी से। इतना ही नहीं, साथ इसमें सबसे ज़्यादा फेमस होने का कारण ये है कि ये ना जो gyanach.com आई, वो आई अफोर्डेबल नीट कोचिंग के नाम से। मीन्स इनकी जो क्लासेस हैं वो काफ़ी किफ़ायती है, मतलब आप समझ लो कि जो नीट और मेडिकल की कोचिंग यहाँ पर ऑफर करी जाती है वो अराउंड आपको 3,000-5,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन इनकी कोचिंग बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है। मतलब एक होता है कि क्वालिटी के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जिस तरीके से ये कोचिंग संस्थान स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। और gyanach.com जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम और स्कूल के कोर्स वाले सिलेबस पे भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। दोनों ही संस्थान, मतलब अगर बात करें toppersacademy.app एंड gyanach.com, भारत में वेल नोन नीट कोचिंग अब मानी जाती हैं। अगला बड़ा नाम है नीट कोचिंग में एलन करियर इंस्टीट्यूट का। एलन करियर इंस्टीट्यूट नीट में वैसे भी वेल नोन नेम है, और नीट की क्लासेस एलन करियर इंस्टीट्यूट ऑफर करती है, लेकिन अगर आप बात करो कि हर एलन करियर इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो वो आपको जाकर इनके सेंटर पे देखना पड़ेगा। जहाँ तक हम बात करते हैं कि gyanach.com या फिर toppersacademy.app, तो अगर इनकी जहाँ पर इनकी क्लासेस लाइव
मीन्स इनके क्लासरूम नहीं है, तो वहां पर ये टॉपर्स अकेडमी डॉट ऐप ने किस तरह से क्वालिटी मेंटेन करी है वो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने लाइव इंटरेक्टिव क्लास मॉडल चालू किया हुआ है, जो क्लासेस आपको दिल्ली से मिलेंगी और वो आप घर बैठकर अपने सिटी या स्टेट में ज्वाइन करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में नहीं। तो क्वालिटी जो है ना ज्ञानज.com ने और टॉपर्स अकेडमी डॉट ऐप ने भारत में बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई है, तो इसीलिए रैंक वन और रैंक टू पर अब टॉपर्स अकेडमी डॉट ऐप एंड ज्ञानज.com है। एलन करर इंस्टीट्यूट रैंक थ्री पर है। रैंक फोर्थ पर है आकाश, नीट की क्लासेस आकाश ऑफर करता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखो ये आप मतलब कोचिंग ऑफर करना ठीक है, इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? कोई भी कोचिंग जो है वो इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन क्या आपके प्रिपरेशन के लिए वो सफिशिएंट है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हमने कोचिंग संस्थान को भारत में रैंक किया ना, तो हमने ना ही सिर्फ इफेक्टिवनेस पे वर्कआउट किया रैंकिंग करते वक्त, हमने आपके लिए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशियंट है कि नहीं उस पर भी वर्कआउट किया, वो बोर्ड एग्जाम को कवर कर रहा है उस पर भी वर्कआउट किया, और उस बेसिस पर आकाश इंस्टीट्यूट जो है वो फोर्थ नंबर पर आता है। के साथ आकाश का जो बैच साइज है वो 60 है। अब मतलब आपको थोड़ा शॉकिंग होगा कि मतलब उसमें से दो ही स्टूडेंट जो हैं वो ऑन एन एवरेज गेट द MBBS, ठीक है। तो अब बैच साइज अगर मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्यों टॉपर्स अकेडमी डॉट ऐप रैंक वन पे पहुंची और ज्ञानज.com रैंक फीचर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि देखो इन्होंने बैच साइज एक्सीड नहीं करा। ये चाहते तो एक बैच में 70-80 लोग बच्चे भी रख सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, लेकिन इन्होंने बैच साइज नॉमिनल रखा। अब देखिए कोर्स सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रही है, सारी जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है भारत में सभी नीट मेडिकल की जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट लिस्टेड होती है वो पढ़ा ही रही है, लेकिन कैसे एक संस्थान दूसरे संस्थान से अलग है वो मैटर करता है। मैंने अभी आपको बोला कि इफेक्टिवनेस एंड सफिशियंट दो अलग अलग टर्म है। इसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस ब्रांड है, लेकिन क्यों इसको रैंक फाइव मिला? देखिए एक तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में भी देर आर टू मैनी स्टूडेंट्स, जिसके वजह से फैकल्टी और टीचर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे, इंडिविजुअल अटेंशन जो है बहुत कम स्टूडेंट्स ने मार्क किया। अच्छा कुछ ब्रांचेस में रेजोनेंस की कुछ ब्रांचेस में टीचर्स अच्छे नहीं स्टूडेंट ने रिपोर्ट करे, और जो सामने आए कि यहाँ पर ना बैच सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि जो टीचर्स होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं ऊपर वाले बैच के स्टूडेंट्स पर, ठीक है ना, और जो नीचे वाले बैचेस होते हैं उन पे टीचर्स उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अब उसके वजह से आपको फिर मतलब जो इंडिविजुअल अटेंशन वाला प्रॉब्लम है और जो गाइडेंस का प्रॉब्लम वो यहाँ पे थोड़ा फेस करना पड़ता है, लेकिन वैसे इंस्टीट्यूट अच्छा है अगर आप ऊपर वाले बैच में हैं। तो ओवरऑल ये आप देख सकते हैं कि हमने आपको काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स और जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिस बेसिस पे बेस्ट नीट कोचिंग इन इंडिया रैंक हमने करी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए भी एज ए स्टूडेंट। जो अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप कोचिंग तभी ज्वाइन करें जहाँ पे जब आपको प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन मिलता हो। इफेक्टिवनेस और कंटिन्यूटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सफिशियंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होना बहुत ज़रूरी है। कोचिंग मतलब अगर सिर्फ नीट के बात करें, मेडिकल के कोर्स की बात करें, तो वो तो सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा ही रही है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अच्छी है वो हमने यहाँ पर अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक है, रिसर्च रिपोर्ट है, उसे जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। InstituteRank.com की रैंकिंग जरूर चेक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक नीचे जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें हमने रैंकिंग की है प्रॉपर बेस्ट जो नीट कोचिंग इन इंडिया, उसको जरूर चेक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।